National Conference and Congress finalized a seat sharing arrangement whereby the 6 seats of erstwhile Jammu and Kashmir state, which includes the seat of now the Union Territory of Ladakh, we have decided to share them equally amongst us. The seats of Udhampur, Jammu and Ladakh will be contested by the Congress party, and the seats of Anantnag, Baramulla and Srinagar will be contested by the National Conference, and we will work together to ensure the victory of all 6 candidates. So, but the PDP has been left out in the seat sharing. Look, in a state or in a region where we had a maximum of 6 seats, of which 3 seats were already held by the National Conference, the space for political give and take was very limited. But the Congress and the National Conference had made it very clear that we would keep an option open for sharing space or seats in the assembly elections that are due in August and September of this year. Clearly, that was unacceptable to the PDP. But let's see what happens going ahead. My last question is to you about, sir, what will be the impact of this? Because BJP is saying that all is well in J&K after revocation of 370. You are saying that it was not. Let the votes be counted. Let's see how much all is well. देखिए अब impact तो हर चीज का होता है, लेकिन वो हमारे alliance में हैं और बड़े सम्मानित हमारे alliance के member हैं. सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया. एक वास्तविकता है, छोटे स्टेट में 3 सीट जो उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहले से थी, तो वो सीट हम नहीं उनसे ले पाए, नहीं ले सकते थे, अपने लिए भी नहीं ले पाए तो उनके लिए कैसे लेते अगर हम अपने लिए नहीं ले पाए. तो अब जो ज़मीनी वास्तविकता है उसको स्वीकार करना होगा. तो क्या सिर्फ एक तरीके से जब PDP ने कहा कि हम अपना कैंडिडेट से अनाउंस कर दिया खुद महबूबा मुफ्ती जी ने, तो क्या लगता है सर कि एक फ्रेंडली फाइट रहेगी? अब क्या फ्रेंडली फाइट होगी, नहीं तो अनफ्रेंडली हो जाएगी, तो इसलिए फ्रेंडली हो तो अच्छा है ना, बेहतर है. आपको लगता है सर जो आज़ाद साहब ने भी मोर्चा खोला, एक नई पार्टी उनकी बनाई है, वो खुद भी जो है अनंतनाग से लड़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं आप, उसको कैसे देखते हैं? आज़ाद साहब की बात वहाँ के लोग अब समीक्षा करेंगे, वो बता पाएंगे. मैं नहीं इतना अच्छी तरह जानता हूँ वहाँ की ज़मीन को कि मैं आज़ाद साहब ने जो किया है या उन्होंने सोचा है उस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ. आपको लगता है जो प्रधानमंत्री बार बार आपके मैनिफेस्टो का, आप लोग चुनाव आयोग भी होकर आए हैं, मैनिफेस्टो को बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट है, आज भी एक रैली में बोला, इससे पहले भी रैली में उन्होंने बोला, और क्या बोलेंगे उनके पास और बोलने को है क्या? अगर असत्य ही बोलना है तो बड़ा असत्य बोलो, तो इसलिए वो बड़ा असत्य बोल रहे हैं. जो वास्तविकता है उसको बता नहीं रहे, कोई तर्क पेश नहीं कर रहे, कैसे मुस्लिम लीग आ जाती है इसमें ये बता नहीं रहे, और हम मुस्लिम लीग से क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते. जब हम एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं और जब हमने फ्रीडम की फाइट में, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया है, जो कि मोदी जी की पार्टी ने नहीं लिया था, तो हम पर ये आरोप लगाना बड़ा दुख का विषय है. आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि वहाँ से मैं अगर अब तक की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब की रैलियों में देखें, तो वहाँ से मुद्दा आता है 370 हटाना, राम मंदिर, आप लोगों के तो हटा दिया, मुस्लिम आप लोगों के उसको मुस्लिम लीग का वो बताना, तो एजेंडा कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है, आप लोग अपना न्याय का एजेंडा लेके जा रहे हैं, तो ऐसे में न्याय का एजेंडा और जो मोदी की गारंटी और ये बातें, ये देश तय करेगा कि खोखले नारे चाहिए, विभाजन चाहिए, कि आपको अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने उत्थान के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो देश तय करेगा ना. ये मोदी जी तो नहीं तय करेंगे, देश तय करेगा.